अभिनव पब्लिक स्कूल विलाड़ा, कक्षा 6, विषय संस्कृत। आज अपन थर्ड चैप्टर का सेकंड भाग पढ़ेंगे, चतुर्थी विभक्ति। विद्यालय शिक्षा ये भवंती, विद्यालय मतलब विद्यालय, शिक्षा ये यानी शिक्षा के लिए, भवंती यानी होते हैं, विद्यालय शिक्षा के लिए ही होते हैं। छात्रा पठनाय, छात्रा यानी छात्र, पठना यानी पढ़ने के लिए, विद्यालय यानी विद्यालय को, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, तो छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयम अपि पठनाय विद्यालयम गच्छामः, वयम अपि यानी हम सब भी, पठना यानी पढ़ने के लिए, विद्यालय यानी विद्यालय को, गच्छामः यानी जाते हैं, हम सब भी विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। यूयम अपि, तुम सब भी, यूयम का होता है तुम सब, अपि यानी भी, तुम सब भी, शिक्षा ये मतलब शिक्षा के लिए, तत्व यानी वहाँ, गच्छत यानी जाते हो, तुम सब भी शिक्षा के लिए वहाँ जाते हो। ते च ता च स तौ ते पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे आएगा वे सब छात्रों के लिए, और ता है स्त्रीलिंग, सा ते ता तो बहुवचन है, तो ये भी किसके लिए आया, छात्राओं के लिए। तो छात्र और छात्राएं, शिक्षाए एव शिक्षा के लिए ही, विद्यालयम गच्छन्ति विद्यालय जाते हैं। सा पुस्तकेभ्य आपणम गच्छति, सा यानी वे, पुस्तकेभ्य पुस्तकों के लिए, आपणम यानी बाजार, गच्छति यानी जाती हैं, वे भी पुस्तकों के लिए बाजार जाती हैं। तत् नेत्राभ्याम अंजनम च आनयति, तत् यानी तब, नेत्राभ्याम यानी आँखों में, अंजनम यानी रोशनी, च आनयति आ जाती है, इससे आँखों में रोशनी आ जाती है। तो अपन ये अभी चतुर्थी विभक्ति है ये पढ़ा है, अब अपन इसके अंतर्गत अपन प्रश्न करेंगे। शब्दार्थ कर लिए थे, अब अपन यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट है, वयम नेत्राभ्याम बालकान, हम सब आँखों से बालकों को क्या करते हैं, पश्यामि आएगा, पश्यावः आएगा या पश्यामः आएगा, यह है उत्तम पुरुष बहुवचन। लकार के अंतर का देखेंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो अब इसके अंदर बहुवचन के अंदर क्या आएगा, पश्यामः, वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः, तो ये वाला ये क्या होगा, राइट हो जाएगा। बालका भवंती, बालक सॉरी विद्यालया भवंती, विद्यालय होते हैं, विद्यालय मतलब विद्यालय, भवंती यानी होते हैं, विद्यालय किसके लिए होते हैं, कलाएँ मतलब कला के लिए, क्रीड़ना के यानी खेलने के लिए, या शिक्षा यानी शिक्षा के लिए, विद्यालय किसके लिए होते हैं, शिक्षा के लिए होते हैं। मालाकार जलम आनयति, मालाकार यानी माली, जलम यानी पानी, आनयति लेकर आता है, कहाँ से लाता है, कूपात यानी कुएँ से, विद्यालयात यानी विद्यालय से, गृहात यानी घर से, तो कहाँ से लाता है, माली पानी सींचने के लिए कुओं से लाता है। एक प्रश्न और करेंगे इसके अंतर्गत, सुमेलनम, एक तो फर्स्ट और एक ये थर्ड, दो प्रश्न करेंगे, इसको आपस में मिलान करना है। उद्यानम, उद्यान कैसा है, सुंदर है। जना विचरंती, पुष्पाणाम, पुष्पाणाम क्या कर रहे हैं, गंध प्रसरती, भ्रमरा गुंजंती और माता पादपान सृजंती सिंचती। तो उद्यान सुंदरम, जना विचरंती, पुष्पाणाम गंध प्रसरती, भ्रमरा गुंजंती और माता पादपान सिंचती, ये दो प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं।